यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, आरक्षण की लिस्ट जारी हो गई है। अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित आगरा नगर निगम, झांसी अनुसूचित जाति शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित, फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित, सहारनपुर में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित, मेरठ पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित और लखनऊ भी महिला के लिए आरक्षित जो पहले भी था। कानपुर भी पहले की तरह महिला आरक्षित रहेगा, गाजियाबाद भी पहले की तरह महिलाओं के लिए आरक्षित, वाराणसी प्रयागराज अलीगढ़ अनारक्षित है, यहां पर जनरल कैटेगरी में इसे रखा गया है, बरेली मुरादाबाद गोरखपुर भी अनारक्षित रहेगा यानी कि सभी के लिए रहेगा। संवाददाता पवन कनेक्ट हो गए, पवन आरक्षण की लिस्ट जारी हो गई है, क्या जानकारी? देखिए आरक्षण की लिस्ट जारी हो गई है और जैसे ही राज्यपाल ने इस जो संशोधित प्रस्ताव था उस पर अनुमोदन किया उसके बाद तत्काल प्रभाव से नगर विकास मंत्रालय ने जो आरक्षण की सूची है वो की गणना आरक्षण की व्यवस्था को के मापदंड को हम ले जाएं तो शायद संतोष ज्यादा बढ़ेगा। उस दृष्टि से उन्होंने कहा कि नगर निगम तो जैसे पहले होता था राज्य स्तर पे उसी प्रकार आप 17 नगर निगम को देखिए, लेकिन नगर पालिका परिषदों के लिए उन्होंने कहा कि आप राज्य की बजाय मंडल स्तर पे उसका चक्रानुक्रम आप चलाइए। उसी प्रकार नगर पंचायतों के लिए उन्होंने कहा कि जिले स्तर पे उसका चक्रानुक्रम चलाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कुछ और भी जो बातें कही थी उन सबको अमेज करते हुए लेते हुए हम लोगों ने आर्डिनेंस की व्यवस्था की और आज ये उसी के आधार पे आज ये अनंतिम अधिसूचना जारी की गई है। आपकी आपको जिस बात में ज्यादा इंटरेस्ट होगा वैसे तो आपको ये जानकारी अब मिल ही चुकी है, लेकिन फिर भी इस पूरी व्यवस्था के तहत नगर निगम आगरा का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो SC वोमन का है, झांसी का SC का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का OBC वोमन है, मेरठ का OBC है, प्रयागराज का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अयोध्या का अनारक्षित है, सहारनपुर का OBC है, गाजियाबाद वोमन जनरल है, लखनऊ वोमन है, कानपुर भी महिला है, मुरादाबाद अनारक्षित है, गोरखपुर अनारक्षित है, वाराणसी अनारक्षित है, बरेली अनारक्षित है, शाहजहांपुर OBC महिला है। इसी प्रकार से नगर पालिकाओं का भी सभी 199 नगर पालिकाओं के भी आरक्षण जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ बताया मैंने, महिला महिला जनरल 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 उसमें कोई भी महिला लड़ सकती है किसी भी जो जनरल होता है। उसी प्रकार नगर पालिकाओं का भी 199 का आरक्षण जारी कर दिया गया है और नगर पंचायतों में 544 का आरक्षण जारी कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया की कुछ जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आयोग के ने जो परिवर्तन करने का जो सुझाव दिया वो करने से क्या फायदे होते दिख रहे हैं या क्या बेहतरी होती दिख रही है, उसमें पहले 39 जनपदों में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था जो पहले की व्यवस्था थी। नगर पंचायत की मैं नगर पंचायत की बात कर रहा हूं, नगर पंचायतों में से 39 जनपदों में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अब जो है उसमें काफी ऐसे जनपदों में काफी कमी आई है और अब मात्र 14 जिले ऐसे बचेंगे 39 की जगह जिनमें ये समस्या रहेगी। पहले अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ एक सीट आवंटित हो पाई थी, अब 2 सीटें, वैसे उनकी पॉपुलेशन कम है राज्य में इसलिए ऐसा। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्व में 182 सीटें आरक्षित थीं, अब 209 सीटें आरक्षित हो रही हैं नगर पंचायतों में। और अनंतिम अधिसूचना के दृष्टि से अगर देखा जाए
तो 269 सीटों में आरक्षण में परिवर्तन हो रहा है नगर पंचायतों को, मतलब काफी सीटों में परिवर्तन हुआ है। उसी प्रकार से नगर पालिका परिषद में अगर हम आवे तो 6 मंडलों की नगर पालिका परिषदों में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व पहले नहीं था, अब जो है ज्यादातर मंडलों में हो गया है। खाली 2 मंडल ऐसे रहेंगे जहां ये समस्या रहेगी। ये अभी हम बता देते हैं आपको, 16 मंडल में है। 16 मंडल, दो कौन कौन से होने का? पूर्व में एक मंडल ऐसा था देवीपाटन मंडल, जिसमें ओबीसी का कोई देवीपाटन नहीं है, देवीपाटन मंडल जिसमें पिछड़ा वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। वर्तमान में सभी मंडलों में ये मिल रहा है। नगर पालिका परिषदों में पूर्व में सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 67 सीट आरक्षित थी, उसकी जगह अब 73 सीटें नगर पालिका परिषद में आरक्षित हो रही हैं और 100 सीटों में नगर पालिका परिषदों में परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार नगर निगम की बात की जाए तो 4 नगर निगमों को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 4 ही नगर निगम में इस बार भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है। कुछ 6 सीटों में नगर निगमों की 6 सीटों में पिछले की अपेक्षा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। 5 दिसंबर को अभी हम वो आपको दे देंगे। एक और जानकारी आपको शायद जान करके खुशी होगी कि ओबीसी के जो हमारा पहला दिसंबर का जो हमारा नोटिफिकेशन था उसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की हमारी कानूनी व्यवस्था है, उस प्रकार 205 सीटों पर आरक्षण कुल सभी मिला करके 760 सीटों में से 205 सीटों पर हमने आरक्षण दिया था और अभी का जो आज का नोटिफिकेशन है उसमें भी वही 205 उतनी ही संख्या में 205 सीटों में रिजर्वेशन किया गया है। उसमें न कोई कमी हुई है न कोई बढ़ोतरी हुई है, कंप्लीट 27% रिजर्वेशन देने के दिया गया है। महिलाओं की जो सीटें पहले थीं वो 255 आरक्षित थीं, सभी कैटेगरी मिला करके एससी का वुमन, एसटी का वुमन, ओबीसी का वुमन और जनरल वुमन मिला करके 255 सीटों पे महिलाओं का आरक्षण था, उसमें अच्छी खासी वृद्धि के साथ अब 288 सीटों पे महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। तो इस तरह से एक तरह से जेंडर जस्टिस की तरफ हम और बेहतरी से हम बढ़ रहे हैं। एससी में की सीटों में भी पहले 102 सीटें उनके लिए आरक्षित थी कुल सीटें, अब 110 सीटें हुई हैं, यानी कि 8 सीटों में बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार ओबीसी की 205 सीटें पहले जितनी संख्या थी उतनी ही रहती हैं, महिलाओं की सीटों में 33 की वृद्धि हुई है, अनुसूचित जनजाति की सीट में 1 की वृद्धि हुई है, पहले 1 थी अब 2 हो गई है, और अनुसूचित जाति की सीटों में 8 की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि माननीय आयोग ने जो अध्ययन करके और सरकार को जो सुझाव दिए उससे ज्यादा व्यापक स्तर पे सीटों के आरक्षण का जो वो हुआ है उसका फैलाव ज्यादा व्यापक स्तर पे हुआ है। जिन मंडलों, जिन जिलों में, जिन इलाकों में कुछ जाति विशेष को आरक्षण नहीं मिला था उनको भी आरक्षण देने में हम सफल हुए हैं, क्योंकि पहले का जो व्यवस्था थी उसके अनुसार वही आता था तो वो किया गया था। अभी की जो व्यवस्था है उसमें ऐसा लग रहा है कि सभी वर्गों को सभी क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है, सभी वर्गों को सभी सीटों में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इस प्रकार ये व्यवस्था ज्यादा बेहतर है और इसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने और माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने भी रात को हमारा ऑर्डिनेंस जारी करते हुए इस व्यवस्था का समर्थन किया हुआ है और उन सबके मंजूरी से आज का ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हम लोगों ने जारी कर दिया है।
ये माना जाए कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी, क्योंकि आपने तो 6 तारीख तक कहा है। ये हमारा काम जैसे ही पूर्ण होगा वैसे ही हम ये लिस्ट माननीय चुनाव आयोग को दे देंगे। अभी बाकी का काम उनका चुनाव आयोग का है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पार्षदों की सीट में कोई आरक्षण में बदलाव नहीं, वो जैसा पहले था वैसा ही है। वही है, और उसकी भी औपचारिकता के रूप में एक नई अधिसूचना आज वो भी अपलोड हो रही है, कोई परिवर्तन नहीं उसमें नहीं। क्योंकि जो है जो आयोग ने भी वही किया, जो सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ था उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि आयोग परीक्षण करके निकाय बार प्रतिशत तय करेगा, उसने दिया है, आयोग ने दिया है, आयोग ने दिया है। कहीं कहीं माइनर वेरिएशन है, लेकिन टोटल जैसा मैंने कहा कि टोटल जो सीटें हैं, टोटल सीटें जो राज्य का नहीं, सीटें वो नहीं है, किसी सीट पे पहले की अपेक्षा मैंने जैसा बताया कि कहीं कम कहीं ज्यादा, टोटल सीटें पॉपुलेशन के अनुपात में आती हैं। कहीं जैसा मैंने कहा कि सीटें बढ़ी भी हैं, जैसे एससी में मैंने पॉपुलेशन के ही अनुपात पर तो आपत्ति जताई थी। नहीं नहीं, पॉपुलेशन के अनुपात पर, ये राजनीतिक आरक्षण आबादी के हिसाब से पॉपुलेशन के अनुपात में ही, ये पॉपुलेशन का फार्मूला इतना सैक्रोसेंट है, इतना पवित्र है कि उसको कोई वायलेशन का कोई स्थान नहीं है। जितनी पॉपुलेशन है किसी निकाय में कम किसी निकाय में ज्यादा, ये संभावना रहती है, लेकिन उसमें भी जो संविधान का और कानून का दायरा है वो ये कहता है कि जो महत्तम जो पॉपुलेशन है राज्य की उससे ज्यादा और उससे कम नहीं मिलना चाहिए, तो उसको वो थंब रूल हो जाता है सबके लिए, इसलिए कहीं कोई कमी होने का अवकाश नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ओबीसी में जितनी पहले सीटें थी उतनी ही रहती हैं, एससी में बढ़ी हैं, एसटी में बढ़ी हैं, महिलाओं में भी बढ़ी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शहर विकास मंत्री एके शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। आरक्षण को लेकर उन्होंने जानकारी दी, आरक्षण की लिस्ट जारी हो गई है और नगर पंचायतों में 544 सीटों के लिए आरक्षण की लिस्ट जारी हुई है। दरअसल फिलहाल आपको निगमों की लिस्ट बताएं तो 9 निगम जो हैं वो आरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा कुल 17 निगमों में से अगर बात की जाए तो आगरा जो है नगर निगम वो अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है, झांसी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, शाहजहांपुर नगर निगम पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित और फिरोजाबाद नगर निगम जो है वो पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित। इसी तरह से सहारनपुर और मेरठ पिछड़ा वर्ग के लिए दोनों निगम आरक्षित रहेंगे। लखनऊ कानपुर और गाजियाबाद, पिछली बार भी यहां पर महिला मेयर सीट चुनी गई थी, इस बार भी महिला आरक्षित सीट रहेगी। बाकी इसके अलावा वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, ये निगम जो हैं अनआरक्षित रहेंगे, अनरिजर्व रहेंगे, कोई भी यहां लड़ सकेगा। तो निगमों की लिस्ट जारी हो गई आरक्षण के लिए और इसी तरह से नगर पालिका की लिस्ट भी जारी की गई, विकास शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से लिस्ट जारी हुई है। और अब संभवतः हाल के दिन में ही, अब आने वाले वक्त में निकाय चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि किस तरह से ट्रिपल टी टेस्ट का पालन करते हुए आयोग ने आरक्षण की लिस्ट बनाई है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिली और अब यह लिस्ट सरकार की तरफ से जारी की गई है। इस लिस्ट से पहले लगातार सियासत भी देखी गई, ओबीसी आरक्षण को लेकर एक लंबी लड़ाई विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से देखी गई, सियासी लड़ाई भी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 199 नगर पालिकाओं की आरक्षण सूची भी जारी की गई है। आगरा नगर पालिका अछनेरा परिषद जो है उससे अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया, एतमादपुर को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है, टुंडला फिरोजाबाद का जो हिस्सा है उसे अनारक्षित रखा गया है। इसी तरह से पूरी लिस्ट जारी की गई। अब ये देखना है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है, अब इंतजार चुनाव की तारीखों का होगा। 700 से ज्यादा नगर पंचायत है उसका अभी लिस्ट, उसकी भी सूची जारी की गई है। तो निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर लिस्ट जारी हो गई। इससे पहले सरकार ने दिसंबर 2022 में लिस्ट जारी की थी, जिसको लेकर विवाद हुआ, मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने शर्त रख दी कि या तो बिना आरक्षण के लिस्ट जारी हो या फिर सरकार के पास ये ऑप्शन था कि सरकार फिर से आयोग का गठन करे और फिर से आरक्षण की कवायद करे।
मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और फिर सरकार ने आयोग का गठन किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली और उसके बाद सरकार ने अब दरअसल नगर विकास विभाग ने यह लिस्ट जारी कर दी है। अब साथ ही चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार किया जाएगा और उसी के साथ निकाय के रण की शुरुआत को भी देखा जा रहा है। तो वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़ ये निगम जो हैं अनारक्षित रहेंगे। मथुरा, वृंदावन भी अनारक्षित यानी सामान्य है। बरेली भी अनारक्षित है। तो आरक्षण की लिस्ट जारी हो गई है। सामान्य की बजाय इसे अनारक्षित कहना ज्यादा बेहतर होगा। दरअसल आप देख सकते हैं झांसी भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है, शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग महिला के लिए। और इन तमाम पहलुओं को लेकर जानकारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नगर विकास विभाग के जो मंत्री हैं एके शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। चूंकि सत्र नहीं चल रहा और ये कानूनी संशोधन है, इस वजह से सरकार को इस पर अध्यादेश लाना पड़ा। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अध्यादेश को मंजूरी दी और सुबह मंजूरी मिली, शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार ने आरक्षण की लिस्ट भी जारी कर दी है। तो 17 निगमों में से 6 महिलाओं के लिए आरक्षित है और इसी तरह से कुल 9 निगम जो हैं 17 में से आरक्षित रहेंगे। पिछले बार चुनाव के दौरान कुल 16 निगम थे जिसमें से 14 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2 निगमों में बीएसपी ने जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी दल जो हैं वो किसी भी निगम में अपनी सरकार नहीं बना पाए थे और इस बार एक और निगम जुड़ चुका है। कुल 17 निगम हो गए हैं और बीजेपी के लिए जहां अपने स्टेक्स दांव पर हैं, बीजेपी को अपने निगम में फिर से सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है, वहीं समाजवादी पार्टी को शून्य से शुरुआत करनी होगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव में बाइपोलर इलेक्शन दिखे थे समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी, क्या निगम में भी यही रण दिखेगा? सीधा रुख करेंगे संवाददाता पवन संगर, लाइव कनेक्ट है। पवन, आरक्षण की लिस्ट जारी हो गई, अब इंतजार चुनाव की तारीखों का। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से सरकार ने तत्परता दिखाई है वो एक तरीके से जो पिछले समय जो चूक हुई थी उसकी भरपाई मानी जा रही है। जैसे ही राज्यपाल महोदया ने अनुमोदन किया जो संशोधित ऑर्डिनेंस था नगर निकाय और नगर निगम का, उसको राज्यपाल महोदया ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, तत्काल प्रभाव से जो सूची सरकार ने लगातार उस पर काम करने का काम किया था उसको जारी करने का काम किया। यानी जो आरक्षण था ट्रिपल टेस्ट के को लेकर के जो बवाल खड़ा हुआ था वो सुलझते ही सरकार ने अधिसूचना जो सूची थी उसकी जारी करने का काम किया है। अब चुनाव आयोग आने वाले समय में नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव जल्द से जल्द कराएगा, क्योंकि जो नगर निगम और नगर निकाय में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे रखा है कि कोई बड़ा फैसला वो नहीं ले सकते हैं। और लोकतंत्र को लेकर के जो विपक्षी पार्टियां थी लगातार हमलावर थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को लेकर के गाइडलाइन जारी की थी, आदेश जारी किया था और कहा था कि अक्रॉस इंडिया हर स्टेट में इसको लागू किया जाना चाहिए, उसके बाद ये लापरवाही की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को लेकर के कटिबद्ध था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना हम चुनाव नहीं करा सकते। हाई कोर्ट के फैसले पे स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट गई उत्तर प्रदेश सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से को समय दिया, एक आयोग गठित करने की बात कही। सरकार ने उससे पहले ही आयोग गठित करने का काम कर लिया था। उसके बाद जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट जाकर के कहा कि 11 अप्रैल जो डेट है उसको प्रीपोन किया जाए, पहले सुन लिया जाए, क्योंकि ये चुनाव बहुत ही जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट भी चाहता था कि कम समय अवधि लगे और जल्द से जल्द चुनाव हो। लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार के जो आयोग गठित किया था उसकी रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने 27 तारीख को हरी झंडी दे दी। उसके तत्काल बाद ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पे काम करेगी और उसके बाद कैबिनेट में संशोधन प्रस्ताव लाया गया, उस ऑर्डिनेंस को राज्यपाल महोदया के अनुमोदन के लिए भेजा गया। राज्यपाल महोदया ने जैसे ही अनुमोदित किया उसको स्वीकृति दी, उत्तर प्रदेश सरकार जो एके शर्मा है नगर विकास मंत्री है उन्होंने जो आरक्षण सूची थी उसको जारी करने का काम किया कि कहां पे महिला सीट होगी, लखनऊ जिसमें महिला सीट है। तो इस तरीके से जो तमाम उत्तर प्रदेश के नगर निगम की सीटें हैं उसके अलावा जो नगर निकाय है उन तमाम सीटों का जो आरक्षण सूची था उसको एके शर्मा ने जारी करने का काम किया और कहा कि
लगातार इस पे सरकार कटिबद्ध है, समय से जितना जल्दी चुनाव हो सके उसको कराया जाए। तो ये मान करके चलिए कि तमाम सारी जो अड़चने थी वो साफ हो गई, चाहे वो ट्रिपल टेस्ट का मसला हो या उसके अलावा तमाम सारी बातें थी वो सारे मसले हो, उसको एक तरीके से सरकार ने सुलझाने का काम किया। और अब नगर निकाय चुनाव जो रूट लेवल का चुनाव होता है 2024 से पहले, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए कि अपने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूती दें और ये मैसेज देने का काम करें कि 2024 में सबसे मजबूत पार्टी कोई है तो वो उसकी पार्टी है, लिहाजा इस चुनाव को काफी गंभीरता से सभी पार्टियां ले रही हैं। और अब आने वाला वक्त चुनाव का है, अधिसूचना जारी होने का है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने का है, वो चुनाव आयोग इसके बाद अपनी कार्रवाई करेगा। सरकार की तरफ से जो सूची है वो जारी करने का काम किया गया, इसमें कुछ अगर आपत्तियां कोई दिक्कत होगी तो उसका टाइम टेन्योर है उसमें भी उसको संशोधित कर लिया जाएगा। पवन, चूंकि ओबीसी वोट बैंक को लेकर भी एक लड़ाई इसी आरक्षण को ध्यान में रखकर लड़ी गई थी, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो कितना बड़ा मुद्दा था? कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूरी जब मिलती है उसके बाद भी समाजवादी पार्टी इस आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रही थी, क्या ये भी एक मुद्दा रहेगा ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई में? देखिए, किसी भी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए ओबीसी जो वोट बैंक है अगर उसको ध्यान में नहीं रखेगी वो शायद सत्ता में सरकार में नहीं आ सकती है। 50% से ऊपर ओबीसी जो है वो उत्तर प्रदेश में उनका परसेंटेज है। और समाजवादी पार्टी ओबीसी वोट बैंक के लिए, खास तौर से जो ओबीसी में यादव वोट बैंक है उसको लेकर के चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे तो अगर यादव ओबीसी में उनको नहीं मिलता है, उसके अलावा जो मैक्सिमम वोट बैंक है उसको एक तरीके से समेटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के समाजवादी पार्टी और तमाम नेताओं ने रामचरितमानस की चौपाई को लेकर के एक तरीके से अपने आप को शूद्र कहना शुरू किया। अखिलेश यादव ने विधानसभा में इस बात का जिक्र किया, तो इसका महत्वपूर्ण योगदान कितना है ये आप बखूबी इसको देख करके समझ सकते हैं। और यही वजह थी कि जब ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अप्लाई किए बिना जब आरक्षण सूची जारी हुआ था, उसके बाद जब कोर्ट में मामला गया उससे पहले ही तमाम जो पार्टियां थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना शुरू कर दी। लेकिन तत्काल प्रभाव से उसी वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया था, प्रदेश अध्यक्ष जो भूपेन्द्र चौधरी है भारतीय जनता पार्टी के उनका भी बयान आया था, यहाँ आता कि केशव प्रसाद मौर्य जो ओबीसी के बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी में, उनका बयान आया। और एक तरीके से ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होगा, हाई कोर्ट का जो भी आदेश है उस आदेश को चुनौती दी जाएगी। और वही काम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चुनौती देने का हुआ, स्टे लेने का हुआ, उसके बाद 6 महीने का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन जो ओबीसी आरक्षण आयोग बनाया गया था वो 31 मार्च तक उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन उससे पहले ही उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का काम किया। सरकार ने उसको तमाम संसाधन मुहैया कराए ताकि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में जाकर के ओबीसी आरक्षण को लेकर के जितने भी काम है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। उसको कंप्लीट किया करने के जैसे ही रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, मुख्यमंत्री को मिला, तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिपोर्ट टेबल करने का काम किया और कहा कि रिपोर्ट आ चुकी है आयोग की, इस पे जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। एक डेट के बाद दूसरी डेट मिली और 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी और जो आयोग की रिपोर्ट थी उसको सही माना, बिल्कुल आधार पर चुनाव कराने की बात की, कैबिनेट में लाकर के संशोधन प्रस्ताव लाया गया, उस ऑर्डिनेंस बिल्कुल और उस आदेश को मंजूरी मिलती।